हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव साइमा। फ्रेंड्स, मेरे घर के एंट्रेंस में रखा हुआ ये शू रैक, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसको डेकोरेट किया जाए। तो मेरे पास कुछ पुरानी बॉटल्स रखी थी, मैंने उसमें DIY किया और इसे कर दिया डेकोरेट। फ्रेंड्स, मेरे पास ये टमाटो कैचअप की बॉटल रखी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसी से कुछ डेकोरेशन का आइटम बना लिया जाए। तो मैंने सबसे पहले इस बॉटल को वाइट कलर से पेंट कर लिया, बहुत ही रफली पेंट किया है क्योंकि हम जो DIY बनाएंगे उसमें ये कलर तो दिखेगा नहीं। इसके बाद मैंने फेविकॉल को ब्रश की हेल्प से इस बॉटल पर लगा लिया है। और उसके बाद ये मेरे पास रखे हुए मिरर, तो मैं इसी मिरर को इसके ऊपर पेस्ट कर रही हूँ। वैसे भी मुझे मिरर वर्क बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अक्सर इससे कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। तो सबसे पहले बॉर्डर पे हम लोग लगा रहे हैं गोल मिरर। और फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है कि आप घर को डेकोरेट करने के लिए अपने घर में ही रखी कुछ चीज़ों का यूज़ करिए। तो अक्सर हमारे घर में टमाटो केचप, शहद या फिर जैम वगैरह की बॉटल्स जो है वो होती हैं और हम लोग उसे कबाड़े में फेंक देते हैं। तो क्यों ना उससे कुछ DIY करें और घर के लिए डेकोरेशन की चीज़ें बनाएं। फ्रेंड्स, देखिए कितनी आसानी से ये बॉटल के ऊपर पेस्ट होता जा रहा है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसकी जगह फेविक्विक यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप जो फेविकॉल यूज़ करें वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का हो। तो अब की बार अगर आप कभी बॉटल फेंकने का सोचें तो उससे पहले ही ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही अच्छा DIY है और इससे आप अपनी वेस्ट बॉटल को यूज़ कर सकते हैं और घर के किसी कॉर्नर को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये मैंने नीचे के साइड पर गोल वाले मिरर को पेस्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, मैंने बॉटल के नीचे तो ये मिरर लगा दिया और इसके बाद मैं ऊपर के साइड पर लगा रही हूँ ग्लिटर। तो इसके लिए मेरे पास है ये डार्क ब्लू कलर का ग्लिटर, मैं इसका ही यूज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं ब्रश की हेल्प से इस बॉटल के ऊपर फेविकॉल लगा रही हूँ और उसके बाद मैं इस ग्लिटर को इसके ऊपर स्प्रे कर दूँगी। फ्रेंड्स, ब्रश से फेविकॉल लगाने का फ़ायदा ये है कि जब हमने मिरर को पेस्ट किया है तो कहीं कहीं पर गैप रह गया होगा, तो फेविकॉल जो है वो अच्छे से लग जाएगा और इससे ग्लिटर भी बहुत अच्छे से फैल जाएगा इसके ऊपर। तो ऐसे ही मैं पूरे मतलब बॉटल में इस साइड पर फेविकॉल पहले लगाऊंगी और उसके बाद मैं ग्लिटर लगाऊंगी। और इस तरह से ग्लिटर और मिरर की हेल्प से हमारी बॉटल बहुत अच्छे से डेकोरेट हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप लोग देखिए कि ग्लिटर कितने फिनिशिंग के साथ इस बॉटल के ऊपर पेस्ट हुआ है। एक्चुअली में जब हम लोग फेविकॉल लगाते हैं उसके बाद जब ग्लिटर को स्प्रे करते हैं तो वो फैल जाता है, लेकिन जब आप झाड़ेंगे तो वो झड़ जाएगा, क्योंकि जिस जगह पर भी फेविकॉल लगा होगा ग्लिटर सिर्फ वहीं पेस्ट होगा, बाकी जगह से वो निकल जाएगा। तो इस तरह से मैंने ग्लिटर इस बॉटल पर लगा दिया। अब इसके बाद मैं इसके ऊपर फिर से एक बार गोल वाले मिरर को पेस्ट कर रही हूँ फेविकॉल की हेल्प से। इसके बाद मैंने बाकी बची बॉटल पर ये ब्लू ग्लिटर लगा दिया है और इसके ऊपर मैं पेस्ट कर रही हूँ ये डायमंड शेप के मिरर। इस बार मैंने इनको पेस्ट करने के लिए फेवी बॉन्ड का यूज़ किया है। इसका रीज़न ये है कि जब हम फेवी बॉन्ड से किसी चीज़ को पेस्ट करते हैं तो उससे पेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है। अगर इस बीच में आपका कुछ मिरर गलत चिपक जाए या लाइन टेढ़ी हो जाए तो आप उसे सही कर सकते हैं, जबकि अगर आप इसकी जगह फेविक्विक का यूज़ करते तो शायद ये मिरर जो है वो निकलते ही नहीं, क्योंकि वो चीज़ों को बहुत जल्दी पेस्ट कर लेता है और अगर आप निकालते तो शायद ग्लिटर भी निकल जाता। फ्रेंड्स, मैंने बॉटल के तीनों साइड पर ये डायमंड शेप के मिरर लगा दिए हैं और अब बॉटल के ऊपर मैं ये लगा रही हूँ लेस। इससे थोड़ी सी फिनिशिंग आ जाएगी और बॉटल और ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो आप देखिए कितने ही कम प्राइस में एक DIY बनकर रेडी हो गया। एक कबाड़ से ही ये जुगाड़ है, यानी जिस बॉटल को हम कबाड़ में फेंक दिया करते हैं हम उसका यूज़ करके कितना अच्छा सा DIY बना लेंगे। और आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं अपने शू रैक पर, बुक रैक पर, टेबल यूनिट पर या घर के किसी भी कॉर्नर में डेकोरेट करें। इसमें लाइट लगा दें या आप इसमें फ्लावर लगा दें
और एक बहुत ही अच्छा सा DIY बनकर रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, ये मेरे पास एक और बॉटल थी टमाटो केचप की। देखिए थोड़ी सी ये गंदी हो रही क्योंकि मैंने इसके ऊपर पहले DIY किया था और मैंने धोया लेकिन थोड़ा छूटा नहीं, पर कोई बात नहीं, जब हम इसके ऊपर पेंट करेंगे तो इसका जो डिफेक्ट है वो छुप जाएगा। इसके साथ ही मैंने ये स्पॉन्ज लिया है, ये जब मोबाइल कवर लेते हैं तो उसमें लगा होता है, और मैंने वाइट कलर का फैब्रिक कलर लिया है। मैं इसी से इसको पेंट करूँगी। टैप टैप करके इसके ऊपर पेंट करना है पूरी बॉटल पर। तो देखिए इस तरह से इसको पूरी बॉटल को पेंट कर लें। फ्रेंड्स, मैं इस पूरी बॉटल को वाइट फैब्रिक कलर से टैप टैप करके पेंट कर लूँगी। आप भी दो बार कोट ज़रूर करिएगा, एक कोट नहीं करिए, क्योंकि एक से ना ये बॉटल जो है वो इतना अच्छा लुक इसका नहीं आएगा। जब एक बार ये कलर सूख जाए तो आप इसके ऊपर दोबारा फिर से कलर करिए, इससे जो बॉटल है ना इसका कलर बिल्कुल अच्छा सा आ जाएगा, वाइट कलर बहुत अच्छा दिखेगा। और अगर आपके पास स्पॉन्ज नहीं है घर में तो आप इसकी जगह रुई का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप चौड़ा वाला ब्रश ले लें और उससे आप पूरी बॉटल को पेंट कर दें। इसके बाद इसे सूखने के लिए ज़रूर रखें कम से कम 4 से 5 घंटे, और उसके बाद ही इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएं। फ्रेंड्स, देखिए मैंने इसके ऊपर वाइट कलर दो बार कोड कर दिया है, और आप देखिए इस बॉटल में जो डिफेक्ट था वो भी हाइड हो गया है, और वाइट कलर कितना अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। अब हम इसके ऊपर बनाएंगे अपना डिज़ाइन। इसके लिए मैंने लिया है ये रेड फैब्रिक कलर, और साथ में मैंने लिया है फ्लैट ब्रश। मैं इसकी हेल्प से इसके ऊपर छोटे छोटे से हार्ट्स बनाऊंगी। आप चाहें तो आप कोई और डिज़ाइन भी बना सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप फ्लावर्स बनाइए, स्टार बनाइए, जो मतलब आपको जो अच्छा लगे आप उस तरह के डिज़ाइन इसके ऊपर बना सकते हैं। ये वीडियो तो बस एक हेल्प के लिए है कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि आप बॉटल्स को किस तरह से डेकोर कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग अपने घर में रखी हुई कांच की बॉटल को फेंकने वाले नहीं हैं, बल्कि उसको डेकोर के लिए ज़रूर यूज़ करेंगे। आप जैम की बॉटल ले सकते हैं, टमाटो केचप की बॉटल है, या फिर शहद जिसमें लाते हैं वो बॉटल, या कांच की कोई भी बॉटल हो उसको आप इस तरह से डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप इससे फ्लावर पॉट बनाइए, और या फिर आप सिंपल ही बॉटल्स को पेंट कर लीजिए और उसे किसी कॉर्नर पर आप डेकोर करिए। बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती है इस तरह की बॉटल्स डेकोरेशन के बाद। आप इसमें लाइट भी लगा सकते हैं, रात में बहुत ही प्यारा सा एक लैम्प का लुक दे देगा ये। तो मैंने देखे इस तरह से इस बॉटल के ऊपर पूरा हार्ट्स बनाना स्टार्ट किया है। मैंने फ्लैट ब्रश को हटाकर ये दूसरा ब्रश ले लिया क्योंकि उससे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इसमें बनाने में। फ्रेंड्स, रेड कलर से हार्ट्स बन गए, तो मैंने सोचा क्यों ना येलो कलर भी यूज़ किया जाए। तो मैं ले रही हूँ फैब्रिक कलर, और मैं इस ये हार्ट्स के बीच बीच में जो गैप रह गया है, जगह खाली है, मैं वहाँ पर येलो कलर से हार्ट्स बना दूँगी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो आप कोई और कलर भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, लेकिन बनाइएगा ज़रूर क्योंकि बहुत प्यारा लगता है बनने के बाद। और इस तरह की जो हमारे घर में वेस्ट चीज़ें पड़ी हुई हैं, हम उसका यूज़ करके कुछ ना कुछ बनाएं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। मैं अक्सर चीज़ों को यूज़ करके ही कुछ ना कुछ घर के डेकोरेशन की चीज़ बनाती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप भी घर में इस तरह की डेकोरेशन की चीज़ें ज़रूर बनाएंगे। बॉटल के ऊपर साइड पर मैं ये लेस लगा रही हूँ क्योंकि वहाँ पर हमने पेंट नहीं किया था।
पेंट करते टाइम मैंने पकड़ने के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ी थी, इसलिए मैंने बॉटल के ऊपर पेंट नहीं किया। और यहाँ पर मैं इस लेस को पेस्ट कर रही हूँ, इसके लिए मैं फेवी बॉन्ड का यूज़ करूँगी और इसी से ही मैं इस लेस को इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी, इससे बॉटल का लुक और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग भी ज़रूर बनाइए और डेक्योर ज़रूर करिए घर को अपने। मैं यहाँ पर डबल लेस लगाऊंगी, यानी एक बार लगाने के बाद फिर मैं इसके ऊपर एक और लेस लगाऊंगी, क्योंकि ऊपर जो पार्ट छूटा हुआ है वो ज़्यादा है और लेस जो है वो पतली है। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये लेस को पेस्ट कर दिया है और अब इसी के ऊपर हम एक सेकेंड लेयर भी लेस की पेस्ट करेंगे।